इस गाइड में हम आपको अल्टिमा कार्ड ऑर्डर करने में मदद करेंगे। हम रजिस्ट्रेशन से लेकर कार्ड ऑर्डर करने तक का सफर साथ मिलकर करेंगे। हम KYC, अकाउंट वेरिफिकेशन और भौतिक कार्ड का ऑर्डर देने की प्रक्रिया को पूरा करने का प्रदर्शन करेंगे। साइट पर रजिस्ट्रेशन ucrypto.cards पर जाएं। मुख्य स्क्रीन पर अपना ईमेल दर्ज करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। ucrypto सेंडर से एक पुष्टिकरण कोड आपके ईमेल पर भेजा जाएगा। इस कोड को उपयुक्त विंडो में दर्ज करें। एक पेज खुलेगा जहां आप अल्टिमा कार्ड के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं, साथ ही एक भौतिक कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपके रजिस्ट्रेशन को पूरी करती है। अल्टिमा कार्ड का ऑर्डर। कार्ड ऑर्डर करने के लिए ऑर्डर अ फिजिकल कार्ड पर क्लिक करें। आपसे KYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा जाएगा। आपके नागरिकता वाले देश के आधार पर नीचे दिए गए आई कम फ्रॉम अ यूरोपियन कंट्री या आई एम फ्रॉम आउटसाइड यूरोप बटन पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि फिलहाल निम्नलिखित देशों और क्षेत्रों के लिए कार्ड जारी करना और वितरित करना संभव नहीं है। USA, बेलारूस, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, म्यांमार, हैती, ईरान, लीबिया, रूस, सीरिया, सोमालिया, वेनेजुएला, यमन, जिम्बाब्वे, DPR, LPR, खेरसौन, जापारोजी, क्रीमिया। कृपया इस पर भी ध्यान रखें कि भारत में कार्ड डिलीवरी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। भारतीय नागरिकों के लिए कार्ड दुबई के अल्टिमा ऑफिस में वितरित किए जाएंगे और 13 अप्रैल 2024 को दुबई में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्राप्त किए जा सकते हैं। अब हम यूरोपीय देशों के नागरिकों के लिए प्रक्रिया दिखाएंगे। अगले पेज पर आपसे यह जवाब देने के लिए कहा जाएगा कि क्या आप अमेरिका के निवासी हैं, और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब उस देश का चयन करें जिसके आप नागरिक हैं। इसके बाद उस दस्तावेज का प्रकार चुनें जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं। अपना दस्तावेज नीचे अपलोड करें। कृपया ध्यान दें कि आपको दस्तावेज के दोनों साइड की तस्वीर अलग से अपलोड करनी होगी। डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। आपसे एक सेल्फी लेने के लिए कहा जाएगा। जब आप तैयार हों तो आई एम रेडी बटन पर क्लिक करें। सेल्फी लेने के लिए अपने डिवाइस के कैमरे में देखें। सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा फ्रेम के भीतर फिट बैठ रहा है। फिर धीरे धीरे अपने सिर को एक सर्कल में घुमाएं। यदि आप सब कुछ सही ढंग से करते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देगा कि फेस स्कैनिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। फिर KYC प्रक्रिया के अंतिम चरण में आपसे दस्तावेजों की जाँच करने और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके जानकारी की पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा। सब तैयार है। आपके दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए भेज दिए गए हैं। वेरिफिकेशन स्टेटस की जानकारी आपके पर्सनल प्रोफाइल में उपलब्ध होगी। KYC प्रक्रिया के बाद अगला चरण बची हुई जानकारी भरना है। आपको अपना फोन नंबर या ईमेल दर्ज करना होगा। खुलने वाली विंडो में अपनी जानकारी दर्ज करें और कंफर्म पर क्लिक करें। फिर स्क्रीन पर में दिए गए निर्देशों का पालन करें। जानकारी दर्ज करने के बाद आपको एक संदेश दिखाई देगा कि डेटा वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। आप अपने अकाउंट में वेरिफिकेशन स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए प्रोफाइल आइकन पर जाएं और बेसिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। कार्ड का ऑर्डर और उसका भुगतान। जब वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाए तो फिर से ऑर्डर अ फिजिकल कार्ड पर क्लिक करें। खुलने वाली विंडो में अपना पता दर्ज करें और कंफर्म पर क्लिक करें। इसके बाद आपसे कार्ड जारी करने के लिए भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। भुगतान उन सभी उपलब्ध डिजिटल एसेट्स के जरिए किया जा सकता है जिन्हें आप सूची में देखेंगे। यूरो में लागत 250 यूरो, कार्ड जारी करने के लिए 230 यूरो और डिलीवरी के लिए 15 यूरो तय की गई है। USDT में राशि भुगतान के समय एक्सचेंज रेट के हिसाब से परिवर्तित की जाएगी। स्क्रीन के नीचे पे बटन पर क्लिक करें। विवरण वाला एक पेज खुलेगा। क्रिप्टोकरेंसी भेजने के लिए QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए एड्रेस को कॉपी करें। पेमेंट करने के बाद डन बटन पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि भुगतान 30 मिनट के भीतर हो जाना चाहिए। सब तैयार है। आपने कार्ड का ऑर्डर दिया और भुगतान कर दिया। अपने ईमेल पर कार्ड डिलीवरी के बारे में जानकारी का इंतजार करें। आप अपने पर्सनल प्रोफाइल में स्टेटस को भी ट्रैक कर सकते हैं। अनुमानित डिलीवरी समय 10 से 21 दिनों तक है।